कोटा में कोरोना संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार शाम को आई रिपोर्ट में 59 नए संक्रमितों का पता चला है, तो वहीं सुबह आई रिपोर्ट में 128 नए जने कोरोना संक्रमित मिले थे। इन्हें मिलाकर कोटा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3356 से बढ़कर अब 3500 के पार जा पहुंचा है। शाम को आई रिपोर्ट में पुरोहित जी की टापरी में 4, शॉपिंग सेंटर में 3 व लगभग 5 दर्जन इलाकों में पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो वहीं कोरोना का वायरस हेल्थ वॉरियर्स को भी लगातार चपेट में ले रहा है। सुबह की रिपोर्ट में 3 चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें एक निजी अस्पताल के मशहूर चिकित्सक व एक सरकारी अस्पताल के सर्जन शामिल हैं। रिपोर्ट में नयापुरा से 6, वसुंधरा विहार बजरंग नगर से 5, महिला जेल से 4, विज्ञानगर से 8, संगम होटल की गली से 4 सहित 5 दर्जन इलाकों से संक्रमित मिले हैं। आपको बता दें कि पिछले कोटा जिले में पिछले 3 दिन में ही 500 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। वहीं कोरोना से 3 संक्रमितों की मौत हुई है। सुबह एक बुजुर्ग ने दम तोड़ा था, वहीं शाम की रिपोर्ट में 2 बुजुर्गों की मौत की पुष्टि हुई है। इनमें बपावर निवासी 70 साल के वृद्ध को क्रोनिक लंग्स डिजीज के साथ निमोनिया की शिकायत थी, जिसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। तो उधर संजय गांधी नगर निवासी 72 साल की बुजुर्ग महिला की भी उपचार के दौरान मौत हो गई, जो कई बीमारियों से ग्रस्त थी। कोटा में अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 60 हो चुकी है।